हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल टू। और मैं प्रतिमा आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करती हूं। तो अभी मैं हूं सिंगापुर में और आज हम लोग सिंगापुर के जो हाइलाइट्स है वो विजिट करने वाले हैं। यहां पर और एक दिन मैं रहने वाली हूं, घूमने वाली हूं, बड़े सारे मज़े करने वाली हूं। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको घुमाने वाली हूँ सिंगापुर और आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए, लेट्स गो। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस होटल में मैं रह रही हूँ उसका नाम है फुरामा रिवर फ्रंट होटल, जो आपको अभी पीछे दिख रहा है। तो यहाँ पर सिंगापुर में कोविड आने के बाद बहुत सारे चेंजेस किए गए। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसे लगता है कि भारत में जैसे होटल सर्विस मिलती है वैसे मिलती होगी, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ती है, जैसे कि आपको बहुत सारी चीज़ें रीयूज़ करनी पड़ती है, या फिर अगर आपको वो चीज़ें नहीं चाहिए तो वो आपको खुद से लेनी पड़ती है। जैसे कि हमारा टॉवल हो गया, या फिर जो भी लॉन्ड्री सर्विसेज से रिलेटेड आइटम्स है, या फिर टिश्यू पेपर्स है, वो सब आपको खुद से लेने पड़ते हैं। पानी आपको खुद से लेना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, सिंगापुर में आप कहीं पर भी टैप वाटर पी सकते हैं, ये टोटली सेफ है। और यहाँ पर जो पानी की बॉटल है वो बड़ी एक्सपेंसिव होती है, इसलिए खुद की पानी की जो एम्प्टी बॉटल होगी यानी कि खाली बॉटल होगी वो फेंकना मत। यहाँ पर आप टैप वाटर पी सकते हैं ताकि आपको पानी खरीदना ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर पानी बड़ा महंगा है। यहाँ पर हमें लोकल गाइड सर्विस मिली है, लेकिन लोकल गाइड जो भी बताते हैं वो हम लोग शूट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के जो रूल्स है वो बड़े स्ट्रिक्ट है। लेकिन मैं हूँ ना, मैं आपको बताती हूँ उन्होंने हमें क्या क्या बताया। दो तीन चीज़ें जो उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट हमें बताई कि सिंगापुर के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, ज़्यादा पानी नहीं है, ये लोग पानी रिसाइकल करके पीते हैं, इसलिए इन्हें पानी की बहुत ज़्यादा कीमत है। और इसी के कारण मैंने आपको कहा कि आपको पानी की बॉटल फेंकनी नहीं है। यहाँ पर ये जो पानी रिसाइकल करते हैं वो इतना शुद्ध होता है कि अगर आप सिर्फ वही पानी पियेंगे तो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। नॉट बिकॉज़ इट इज़ डर्टी, बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली क्लीन, उसमें कुछ मिनरल्स ही नहीं बचते। दूसरी बात, सिंगापुर जो है उसके हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले इस देश का नाम था तमसिक। उसके बाद यहाँ पर एक राजा आया और हंटिंग करते करते उसने एक बार एक एनिमल को देखा। उसने अपने साथियों से पूछा कि ये कौन सा एनिमल है, तो उन्होंने कहा आई गेस दिस इज सिंह। सिंह मतलब हम लोग उसे मराठी में सिंह कहते हैं या फिर संस्कृत में सिंह, तो उन्होंने बोला सिंह। तो सिंह का सिंह का मतलब होता है लायन। तो उन्होंने कहा कि वाह, मुझे ये एनिमल बहुत पसंद आया, तो अभी मैं इस देश का नाम ही चेंज कर देता हूँ। और उसका नाम उसने रखा सिंहापुरा, सिंगापुरा। ओके, तो सिंगापुरा ये नाम था इस कंट्री का। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने इस देश का नाम सिंगापुर किया। ये नेम चेंज उन्होंने 1819 में किया, और सिंगापुर का मतलब होता है लायन सिटी, क्योंकि लायन के ऊपर से ही इन्होंने अपने देश का नामकरण किया हुआ है। तो इसीलिए इनका जो मेन चिन्ह है उसमें भी लायन मौजूद है। अभी हम एंजॉय कर रहे हैं हेलिक्स केबल कार राइड, जो यहाँ की बहुत ही फेमस केबल कार राइड है।
हम हैं सेंटोसा आइलैंड पे और आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं कितना बढ़िया है। तो ये राइड हम सब बड़ी एंजॉय कर रहे हैं। वी लव सिंगापुर। अभी हम देखने आए हैं मैडाम टुसाड म्यूजियम, जो बहुत ही फेमस म्यूजियम है। जिसे देखने के लिए मैं इतने टाइम से तरस रही थी, शाहरुख खान। I just can't believe. सोचो कितनी क्रेज होती है किसी एक्टर की कि उनका ये पुतला भी दिखे तो हमें इतना अच्छा लगता है। I could not control myself. और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं इनके साइड में ही खड़ी हूँ। Oh, I'm so happy. अभी हम जा रहे हैं मार्वल का 4D शो देखने। अभी हम लोग जा रहे हैं हेलिक्स राइड के लिए, जो बहुत ही एक्साइटिंग राइड होती है यहाँ की। अभी हम लोग धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं। और देखो हम लोग कितने ऊपर आ गए। अभी हम लोग 79 मीटर्स अबव सी लेवल आ गए हैं और ये जो राइड है वो ऊपर आके भी रोटेट हो रही है ताकि हमें पूरा 360 व्यू मिले और हम सबके पैर हवा में लटक रहे हैं। ये बहुत अलग एक्सपीरियंस है। आई एम हैप्पी। अभी बात आती है चार्जेस की कि यहाँ के चार्जेस कैसे हैं। तो यहाँ के जो चार्जेस है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जो एक्टिविटी आप सिलेक्ट करेंगे उसके अनुसार आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर आप म्यूज़ियम भी उसमें ऐड करते हैं तो कुछ $43 वगैरह है। तो ऐसे अलग अलग चार्जेस होते हैं। जो वैसे तो यहाँ पर एंट्री फ़ी कुछ भी नहीं है। लंच करने के लिए हम लोग बस
से जाने वाले हैं। ये जो बस है वो इंटरनल बस है और ये फ्री राइड है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करने जा रहे हैं बम बोट राइड, यानी कि यहाँ की बोट राइड। और इसकी खास बात ऐसी है कि ये जो सारी बोट्स है वो बैटरी पे चलती है, क्योंकि यहाँ पर जो है सिंगापुर में ये लोग इलेक्ट्रिसिटी और वाटर ये सारी चीज़ें वेस्ट नहीं करते, तो इसलिए। और ये लोग बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन भी करते हैं नेचर का, तो इसलिए अभी ये जो राइड होगी वो इलेक्ट्रिक बोट में होगी। तो पिछले व्लॉग में आपने क्लार्क की ये जो एरिया है जहाँ पर मैं अभी घूम रही हूँ वो रात में कैसा दिखता है वो देखा, और अभी ये दिन के टाइम में आप देख रहे हैं, लेकिन रात का मज़ा कुछ और ही है क्योंकि लाइटिंग्स ऑन होती है। ये जो आपको मेरे पीछे होटल दिख रहा है उसका नाम है मरीना बे सैंड्स, और यहाँ पर मैं बचपन से आना चाहती थी और आज मैं इस होटल को विजिट करने भी जाने वाली हूँ। अभी हम लोग देखने वाले हैं बेबी मरलैंड स्टैचू। जो बड़ा स्टैचू है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन हम लोग जो बेबी स्टैचू है वो देख सकते हैं। ये जो मरलायन का सिंबल है वो 1972 में बनाया गया था यहाँ पर जो विजिटर्स होते हैं उन्हें वेलकम करने के लिए, और उसका जो उद्घाटन है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने किया था। तो अभी हम लोग आए हैं मरीना बे सैंड्स। यहाँ पर इस होटल के 3 टावर है, उसमें से 3rd टावर में हम लोग जाएंगे और 56th फ्लोर पर हम लोग जाएंगे, जहाँ से हमें ऊपर से पूरे सिंगापुर का व्यू दिखेगा। चलिए। एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं तो किसी गाइड के साथ आना, क्योंकि ये एरिया इतना बड़ा है कि आप आराम से यहाँ पर गुम हो सकते हैं या फिर फैमिली से अलग भी हो सकते हैं, तो बेटर टू टेक प्रिकॉशन। तो किसी गाइड को हायर कर लीजिए ताकि आपको कोई टेंशन ना हो और वो आपको ये पूरा होटल भी आराम से दिखा देंगे।
अभी हम लोग 56 फ्लोर पे पहुंच गए हैं और मैं आपको यहां से पूरे सिंगापुर का व्यू दिखाऊंगी। चलिए। यहाँ का जो फेमस इन्फिनिटी पूल है वो एक कॉर्नर से दिखता है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन्हें ही उस पूल का एक्सेस है, बाकी लोग जो सिर्फ विजिटर्स है वो इस ऑब्जर्वेशन डेक पे आ सकते हैं और एक कॉर्नर से वो पूल देख सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं गार्डन बाय द बे विजिट करने। मरीना बे सैंड से आप यहाँ पर टैक्सी करके भी जा सकते हैं। ये तकरीबन 1 किलोमीटर का वॉक है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें चलकर जाना है या टैक्सी करके जाना है। लेकिन अगर आप चल के जाते हैं तो आपको बहुत सुंदर और बेहतरीन नज़ारे देखने मिलेंगे, इसलिए हमने सोचा कि चल कर ही जाते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर कितना बड़ा है, और ये बहुत अनोखा गार्डन है क्योंकि ये गार्डन एसी गार्डन है। और जैसा मुझे पता है और जैसा मैंने गाइड से भी सुना कि इस गार्डन में हर एक फेस्टिवल के अनुसार अलग अलग डेकोरेशन किया जाता है। जैसे दिवाली हो तो दिवाली का डेकोरेशन, क्रिसमस हो तो क्रिसमस का डेकोरेशन। और ये जो सिंगापुर देश है उसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं क्योंकि बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं।
सो फ्रेंड्स, अभी मैं रूम में आ गई हूँ। अभी समय हुआ है रात के 10:30 और आज हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि दिन भर हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। आज हम लोग सेंटोसा गए थे, वहाँ पर हमने वैक्स म्यूज़ियम देखा, उसके बाद मरीना बे सैंड्स गए, उसके बाद हम लोगों ने एक गार्डन भी देखा। तो ये पूरा व्लॉग आपने एंजॉय किया ही होगा। अभी कल वापस हम लोग सेंटोसा जाने वाले हैं और जो हमारे एक दो स्पॉट्स बचे हैं वो हम लोग विजिट करने वाले हैं। उनमें आता है यूनिवर्सल स्टूडियो और एक बहुत बड़ा एक्वेरियम है यहाँ का, वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो फिलहाल हम सब लोग बहुत थक गए। एक चीज़ मैंने नोटिस की, जब आप परदेश आते हैं ना तो आपके पास समय कम होता है और स्पॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कभी कभार आपको थकान हो सकती है, लेकिन वो जो थकान होती है वो वर्थ होती है क्योंकि आप एक दिन में बहुत सारे स्पॉट्स देखते हैं। उसी के साथ मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि आपको जब आप सिंगापुर एक दिन में विजिट करने का सोचते हैं तो आपको चलना बहुत पड़ेगा, तो उस चलने की तैयारी करके ही आना। स्पोर्ट्स शूज़ अगर आप लेकर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी नोट पर आज का व्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में अगले संडे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रैवलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ट्रैवल टू प्रतिमा। बाय बाय, टेक केयर।